निसार मोराई की ऑफिशियल जीआरटी रिपोर्ट के छमा पंज मेंबर्स जो सयूं थियल वफाक वजीर अली जैदी है तो पीपुल्स पार्टी जीआरटी रिपोर्ट की सच्चाई से शक पैदा कर रही है मथा वरी चवे थी तो निसार मोराई की जीआरटी रिपोर्ट के कबूल किया वे अली जैदी ट्वीट बयान में सुप्रीम कोर्ट का एक भेरों बीहर पान मुरादो नोटिस वठण जो मुतालबो कदे है तो उज़ैर बलोच की जीआरटी रिपोर्ट से छमा चार मेंबर सयूं कर रिपोर्ट के बे सुफे में साबित थो है तो जीआरटी बिन हिस्सों में विरायल है सात सिग्नेचर्स की ओरिजिनल जीआईटी होम डिपार्टमेंट में मौजूद है कोर्ट में भी वही जीआईटी जमा कराई गई थी अनफॉर्चुनेटली अली जैदी ने एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एक अनसाइंड कॉपी वो उससे पढ़ना शुरू कर दिया हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आया पॉलिटिकल प्रेशर हमने कहा ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमें ये रिलीज करनी पड़ेगी जितनी गैर जिम्मेदारी अली जैदी ने की है मुझे लगता ये है कि जो मुलजमान है उनको ये फेवर देने की कोई चक्कर और कोई वजह नहीं समझ आती इसकी मुझे कोई गेट पे कोई कागज लेके चला जाए और मैं सुबह असेंबली में उठ के और उसके ऊपर कहानी दे दूं इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात क्या होगी लगे तो अली जैदी जवाबदारन के फायदो पहुंचाने ला जीआईटी के तकरारी बनाया हुआ है सिंध के वे वजीर है तो सियासी दबाव बढ़ने बाद सिंध हुकूमत के रिपोर्ट पदरी करनी पड़ी सत सहीन वाली जीआईटी घरू खाते आई अदालत में जमा करायल है बुधो है तो मोटरसाइकिल से को मू अली जैदी के घर वही बिना सहीन वाली जीआईटी चौकीदार के दई वो अली जैदी अण तस्दीक थियल जीआईटी मीडिया कौमी असेंबली में दिखारी एक वफाकी वजीर अड़े गैर जिम्मेवारी किं तो कर सके इस्लामाबाद में नायब आलो पेशी बार मीडिया से गालाइंदे मुराद अली शाह तो रोशन सिंध प्रोग्राम केस में उन 19 साल सवाल जवाब दिना मैं कहता हूं इस जीआईटी में कोई ऐसा भी शख्स है जो हमारी छतरी के पीछे छुपा है उसको सबसे पहले टांग दे और बल्दिया फैक्ट्री में ले जाकर आग लगा दी जाए मैं तो इस पक्ष में हूँ जुल्फिकार मिर्जा साहब अपने जवाब देंगे कल एमक्यूएम पाकिस्तान ने कहा कि हमारा कोई रहनुमा इसके अंदर नहीं है जिन लोगों ने खौफ में प्रेशर में दबाव में सही एफआईआर नहीं काटी उस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं हुई इधर ही कहीं फिर रहे होंगे वो एसएचओ वो डीएसपी वो एसपी वो एसएसपी तमाम एफआईआर में उज़ैर बलोच नॉमिनेटेड था इस जीआईटी के अंदर उसमें उसकी गिरफ्तारी डाली गई नहीं डाली गई इसलिए कि जीआईटी ने दबा के रखी हुई थी उज़ैर बलोच का है कि जिसने प्लॉटों में कब्जा कराया इंक्रोचमेंट कराई ये किया जबरदस्ती किसी को बिल्डिंग से बेदखल किया क्या उन जमीनों को वागुजार कराया गया क्या उसके असल मालकान को दिया गया नहीं दिया गया जिम्मेदार कौन सिंध हुकूमत सिंध सरकार की जीआईटी में उज़ैर बलोच मनो है तो उन जमीनों पर कब्जा कया टारगेट किलर्स के परे फरार कराया पीटीआई एमपी हलीम आदिल शेख चयो तो सिंध सरकार उज़ैर बलोच के कब्जे में जमीनू न छदायूं नई वरी परदेह फरार थियल कातिल की गिरफ्तारी लाए कदम खया कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान हलीम आदिल शेख चयो तो जीआईटी में जड़ायल जवाबदार पीटीआई की सियासी छिटरी में लिखी व्या तो पेरी उन्हें टंगो वे जुल्फिकार मिर्जा पान इल्ज़ाम जो जवाब दिनों मुतहदा चई छो है तो जीआईटी में सदन कें भी मानू जो नालो ना सिंध सरकार उज़ैर बलोच निसार मोराई बल्दिया साहनी जून जीआईटी रिपोर्ट्स पधरू कर बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट्स पधरू न कर बाबत दाखिल दरख्वास्त वापस वठण जो फैसलो कर वरतो एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में जवाब जमा कराए छो सिंध हुकूमत मौके में इख्तियार किया है अली जैदी असेंबली फ्लोर से सूबाई हुकूमत खिलाफ संगीन इल्ज़ाम लगाया टई जीआईटीज पब्लिक कई व्यून रिपोर्ट्स पब्लिक न करण वाली दरख्वास्त वापस कई वे सुप्रीम कोर्ट में जीआईटी रिपोर्ट्स पब्लिक कर बाबत सुभाने बुधनी थियण जो इम्कान पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से फोन से राबतो बिन्हीं अगवाणन विच में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस घुराने से इतफाक बिन्हीं अगवाणन विच में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से ख्याल की देवट भी कई वही पीआईए जो गडल अरब इमारतों में मुअत्तल थियल फिजाई ऑपरेशन बहाल पीआईए अख्तियार मूजिब सुभाने का उड़ाम जो सिलसिलो बीहर शुरू थी वो समूर मुसाफिर के उड़ाम की रवानगी 48 कलाक अंदर कोरोना टेस्ट लाजमी कराड़ी पवंदी नेगेटिव रिपोर्ट बोर्डिंग वक्त पेश करनी पवंदी भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पैंजे सजा खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दाखिल करण का इनकार कर छोड़ो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इरफान है
कुलभूषण यादव फैसलो किया है। नजरसानी दरख्वास्त दाखिल कर बदला रहम अपील से जवाब अचान जो इंतजार कद पाकिस्तानी हुकूमत कुलभूषण यादव के केस नजरसानी के हवा से समूरा कदम खाया है। जरूरत पी तो अड़ी कानून साजी लागू कई वी जो केस से बीहर जायजो मुकम्मल थियण ती कुलभूषण की सजा के रोको वे फौजी अदालत कुलभूषण यादव के जासूसी के डोह में मौत की सजा बुधाई हुई। कराची के बिलाल गोठ में बेकरी ते दस्ती बम सा हमलों रेंजर्स जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर आसिफ हुसैन जट मारी वो। पुलिस ने रेंजर्स इलाके के कड़ो चाड़े जांच शुरू कर दिनी। पुलिस अणजातल जवाबदार बेकरी ते दस्ती बम उछले फरार थी व्या। जवाबदार की गिरफ्तारी लाए कोशिशों क्यों पे वन। सुप्रीम कोर्ट जो करप्शन ज केसिस जल्द उकलण लाए अहम फैसलो। चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद 120 नयू एहतसाब अदालतों कायम कर इल्तवा शिकार करप्शन ज केसिस तोड़े रेफरेंसिस टिन महीन में उकलण जो हुक्म दे छो। सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल प्रोसिक्यूटर जनरल वफाकी सेक्रेटरी कानून के ईंदड़ बुधनी तलब करते है तो नये अदालतों में जजिस मुकर्र क्या वन। नैब रेफरेंसिस जल्द फैसलो थियण से नैब जो कानून ठाने वो मकसद खत्म की वो। 2000 का नैब रेफरेंसिस इल्तवा जो शिकार है। नैब पेंजे कानून में संजीदा आहे। चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद रिमार्क्स दीदे चयो तो छो न नैब अदालतू बंद कर छड़ियों नैब कानून के गैर आइनी करार दियो। नैब जो इदारो न हली रो है। मुल्क में तालीमी इदारा सेप्टेंबर के पहले हफ्ते में खोलण जो फैसलो। वफाकी वजीर शफकत महमूद की सदारत है बैन सूबाई वजीर के इजलास दौरान तालीमी इदारन के SOPs तहत इम्तहान वठण की इजाजत दियण ते इतफाक। जरियन जो चवण है तो तालीम वारन सूबाई वजीर इजलास में पेश कल तजवीजन के इतफाक किया है। सेप्टेंबर का अग ब इजलास घुराने जो भी फैसलो किया वो। सुभाने NCOC के इजलास में फैसलन की हतमी मंसूरी दियण का इम्कान। इजलास में सिंध के तालीम वाले वजीर सईद गनी खानगी स्कूलों के बिना व्याज के कर्ज फराहम करने जो मुतालबो कदे है तो खानगी स्कूल माली बुहरान जो शिकार थी व्या। हुकूमती मदद मिली तो सीधी या अणसीधी रीत फायदो शागिर्दन के थींदो। वड़े वजीर रोशन सिंध प्रोग्राम में मुबैना करप्शन केस की जांच में नैब के मुतमिन न कर सको। वड़े वजीर सैयद मुराद अली शाह तरफा नैब पिंडी आदो पेशी की अंदरूनी कहानी मंजरेआम से अची वही। जरियन जो चवण है तो DG नैब इरफान मंगी वड़े वजीर जो बयान रिकॉर्ड किया। मुराद अली शाह तो सूबे जो वड़ो वजीर होने सबब खेस तमाम घना कम हूं नैब तरफा पुछल अक्सर सवाल से संदस को भी वास्तो ना है। जरियन जो चवण है तो नैब की टीम 30 सवाल से बदल सवालनामो वड़े वजीर हवाले कदे जवाब दियण लाए खेस 3 हफ्तन की मोहलत दे छी। सिंध में कातिल वायरस कोरोना 22 जड़न का हयातू खिसे वरतू। 1736 नवा केस सामोची व्या। सूबे में कोरोना सबब फौत थे अंग 1637 वो। मुतासर जो अंग 99,362 थी वो। वे वजीर मुराद अली शाह कोरोना जा अंग घर जारी कदे है तो कराची में कोरोना जा 764 केस सामू आया। हैदराबाद में 123, घोटकी में 122, खैरपुर में 77, दादू में 53, कंबर में 46, शहीद बेनजीराबाद में 40, शिकारपुर में 38, जामशोरो में 36, सखर में 33, कश्मीर में 32, टंडो अलहयार में 30, उमरकोट में 29, जैकबाद में 22 नवा केसिस रिपोर्ट थे। वफाकी वजीर फैसल वॉर्ड और नाहली केस में अदालती हुकुम बावजूद जवाब जमो न कराया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फैसल वॉर्डा खिलाफ तोहीन अदालत दरख्वास्त दाखिल। दरख्वास्त गुजार मियाँ फैसल एडवोकेट तरफा फैसल वॉर्डा खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई हलायण की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार मौकिफ इख्तियार किया है तो वफाकी वजीर फैसल वॉर्डा खिलाफ वाजह तौर नाहली जो केस ठही रो है। वह गैर कानूनी तौर अवामी उहदो पान वट रखियो वेठो है। सिंध में धाड़ेलन डुहारन की सरप्रस्ती में असेंबली मेंबर्स वोटर्स के दबाव में रखना है। सिंध हाई कोर्ट में सिंध पुलिस एक्ट 2019 चैलेंज। दरख्वास्त गुजार इकबाल कासमी मौके इख्तियार किया है तो अरनी तरमीम का सिंध हुकूमत अड़ा कानून ठाया जी आइन से टकराव में अचन था। एक्ट पुलिस के कंट्रोल में रखने लाए लागू किया वो है। पीपुल्स पार्टी हुकूमत पुलिस के सियासी मकसद लाए मातहत रखण घुरे थी। पुलिस के कंट्रोल कर समूरा अख्तियार वे वजीर हवाले कया व्या। दरख्वास्त में वफाक सूबाई हुकूमत IG सिंध के धुर बनाया वो।
बरसात जी बिन मिट्टी बरसात जी बिन मिट्टी जय जय सिंध जी राजस्थानी समेत मुख्तलिफ़ इलाक़न में किथे तेज त किथे हल्की बरसात गर्मी जो जोर टुटी वो बिजली गायब अचड़े थर सांगड़ नवाबशाह नौशर फिरोज दादू और बिन जिलों के मुख्तलिफ़ हंधन से वसकारो पीटीए में पारा कराची और हैदराबाद में शहरी बोर्ड जो खर्चो लागापल अख्तियार के अगवाट इंतजाम करण की हिदायत पीटीए में जो चवण है लाड़काने शहीद बनसीराबाद और मिरपुर खास में भी शहरी बोर्ड अची सके थी। कराची में बरसात दौरान करंट लगन समेत मुख्तलिफ़ हादसों में छजणा हयात विञाए वेठा कारसाज रोड से बिजली जो तारू किरण सबब मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद रफीक फौत थी वो करीमाबाद में करंट लगन दौरान पोहरियत मिर्जा फौत नादरन बाईपास से मोटरसाइकिल स्लिप थियण सबब पंजहठ वरियन जो सलीम हयात विञाए वेठो अलासिफ स्क्वायर वट रोड हादसे में नौजवान फौत थी वो। घर में गिजाई कोर्ट ने बीमार विखे मासूम बार फौत थो सिलसिलो रुक न सको पंज मासूम बार मौत के मुंह में हलिया व्या हलंदड़ महीने फौती बार अंग अरड़ा हलंदड़ साल 397 बार फौती चुका। हुमायूं शरीफ थाने की हद में अगवा थियल पंजवी वरन जो मंसूर सरकी बासियाब राजूनी कोशिशन जरिए बासियाबी अमल में अचन जा चौबोल इलाके वासन मोर्चे पुलिस मोकली की बासियाबी लाए का भी कार्रवाई अमल में न आंदी। दादू की अदालत पसंद परणे तां कत्ल कल नौजवान जो जरगो कंदड़ वडेरे अली हसन बाहूटो की जमानत रद्द कर छी अदालती अहाते में गिरफ्तार वडेरे अली हसन बाहूटो फारूक गाली के कत्ल केस जो जरगो किया हो अली हसन बाहूटो हाईकोर्ट बेंच हैदराबाद में कच्ची जमानत हासिल कई हुई जेका थर्ड एडिशनल सेशन जज दादू की अदालत रद्द कई। सिर्फ इंसान इंसान मैं हूं अब्दुल सत्तार एदी मैं हूं पाकिस्तान आई इंसानियत की खिदमत के जिंदगी अर्पींदड़ अब्दुल सत्तार एदी के विचरे चार साल गुजरी पा अज संदस वर्सी मल्हाई पे वने